हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज है कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और कान्हा जी हमारे आपके सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। तो फिलहाल चल रही है यहाँ पर पूजा, शाम का टाइम है। ये देखिए कान्हा जी को अक्षत पिट्टी का सब चल रहा है। यहाँ पर है इनका भोग, पजरी, मखाने की खीर, साथ में है दही दूध। और अरानी को अभी टीका लगा रहे हैं। अरानी किसका बर्थडे है आज? कृष्ण भगवान जी का बर्थडे है। अच्छा, कृष्ण भगवान जी को झूला झुलाएगी। हाँ, अभी कृष्ण अरानी को बहुत देर से वेट हो रहा था कि मुझे कृष्ण भगवान को भोग लगाना है, मतलब खाना खिलाना है। ये देखिए कितने प्यार से खिला रही है एक एक चीज। तो मैं भी भोग लगा लेती हूँ यहाँ पर। इसके बाद हम लोग करेंगे आरती। जन्माष्टमी में मैंने बनाया है बड़े आलू टमाटर की सब्जी, साथ में है आलू के गुटके जो ज़रूर बनते हैं हर व्रत में। ये है मखाने की खीर, साथ में है रायता और ये है पजरी। सो गाइस, खाना पीना हो गया है, रात के 10:15 हो रहे हैं। फिलहाल मैं जाने की तैयारी कर रही हूँ हमारे बगल के मंदिर में, तो वहाँ थोड़ी देर भजन कीर्तन होगा। पहुंच गए हैं कीर्तन में और यहाँ पर देखिए सभी बच्चे कान्हा और राधा बन के आए हैं और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ पर भजन कीर्तन चल रहा है, हम थोड़ा सा लेट पहुँचे हैं। राधे राधे ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। मटकी फोड़ने का प्रोग्राम चल रहा है, ये देखिए रात के 11 बजे है ना। और यहाँ पर मिलिए दीपा से, ये तैयार है मटकी फोड़ने के लिए। ये देखिए कितने ऊंचे पे लगाई गई है मटकी, देखते हैं पहुंच पाते हैं या नहीं।
मटकी फोड़ने का प्रोग्राम भी हो गया है, अब थोड़ी देर में आरती होगी। तो कैसा लगा मटकी फोड़ते हुए देख के? बहुत मजा आया। काना जी का जन्मदिन मनाया। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कमेंट करके मुझे बताइएगा। अब आप सभी से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।